गाइस आज की रेसिपी बिरयानी पे है, तो लाजमी मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है, आपने बताना है कैसी लगी। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। और आज मैं चिकन बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा चले आपके साथ शेयर करूँ। तो चले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, पहले हम ऑयल डालेंगे, अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम प्याज डालेंगे इसमें। और प्याज मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है, तो फिर प्याज डालेंगे। आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, फिर मैंने सोचा चलो चिकन बिरयानी बनाती हूं, आपके साथ भी शेयर कर लूँगी। गाइस, हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, वो भी मैंने कटिंग करके रखे हुए थे पहले से। देखिए अच्छे से मैरिन करेंगे इसमें। तो अच्छे से मेल्ट करेंगे। सो गाइस, देखिए टमाटर हमारे मेल्ट हो चुके हैं और इसके साथ ही हम इसमें चिकन डाल देंगे ताकि वो भी फ्राई हो जाए अच्छे से। अच्छे से फ्राई करें इसमें। सो गाइस, देखिए हमारी चिकन फ्राई हो चुकी है ऑयल में, और अभी हम पीसी मिर्ची डालेंगे। ये देखिए मैं पहले से पीस के रखी हुई थी, इसमें मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन और हरी मिर्च और लाइट सा नमक मैंने डाला था, क्योंकि वो बिरयानी मसाला जब डालेंगे तो उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए आप प्लीज़ नमक से तो दूर ही रहिए, क्योंकि बीपी वगैरह हाई होता है इससे बहुत, तो कम से कम यूज़ करें खाने में। और ये दही हमने रखी हुई थी पहले से, और ये शान का बम्बई बिरयानी मसाला इसमें डाल रही हूँ मैं। मसाला ऐड कर रही हूँ, इसलिए ऐसी ऐड कर रही हूँ कि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तो इसमें मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, मैरिनेट कर लिया, तो अभी इसको अंडा डालेंगे। तो ये एक बोटी दे दे बन के। यार सबर कर जा, ये पकड़ इसको, कैमरा मिक्स कर लिया मैंने। ऐसे कर दू तो भूल गई। तो गाइस देखिए, इसको मैंने अच्छे से मैरिनेट किया है, इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। आप भी ऐसे कीजिएगा अच्छे से। और पोमी के मुंह में पानी आ रहा है अभी से देख के। अभी सब्र कर जो बन जाएगी, तो फिर तुम लोगों को ही देना बोटी दे दे काट। सो गाइस देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है इसका, डिलीशियस। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऊपर रख देंगे ताकि अच्छे से गल जाए ये। थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे
इसको हल्की आंच पे रख देंगे और साथ में हम अपने चावल भी बॉईल रख देंगे ऊपर। सो गाइस, ये हमारी चिकन रेडी हो चुकी है और अब मैं चावल बॉईल करने लगी हूँ, ठीक है, तब तक के लिए वेट करें। गाइस, हमने ये चावल बॉईल होने के लिए रख दिए, नमक डाला है इसमें मैंने और चावल भी डाल दिए ताकि साथ ही पानी हो जाए और चावल भी हो जाएंगे साथ ही। तो फिर पाँच मिनट बाद आते हैं। गाइस, हमारे चावल हो चुके हैं और अब हम बीच में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चावल चिपके ना। ये के गार्निशिंग के लिए करना। ये सर्दा रंग है तो इसमें पानी मिक्स करूँगी थोड़ा सा। टिमटिम आप लोग कमेंट्स में मुझे टिमटिम बहुत रहते हैं, टिमटिम वर्ड्स मुझे मेरी गुफा ने बताया क्या। तो प्लीज़ आप मजाक ही उड़ाने का किसी बात पर, ठीक है। अभी मैं आपसे जाना चाहती हूँ, आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए घर पर। और पीछे मम्मी बैठी है, मम्मी आया करो, हाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।